हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। अगेन वी आर टेकिंग अ न्यू टॉपिक ऑफ 11th क्लास केमिस्ट्री, द सेम चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अर्लियर इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस दैट व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री एंड व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स एंड व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। टुडेज टॉपिक व्हिच वी गोइंग टू डिस्कस दैट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। Uncertainty meaning the meaningful ways to handle the numbers conveniently and present the data realistically with certain to the exact possible. First, uncertainty data, uncertainty in measurement, we are going to discuss scientific notation. Chemistry deal with smaller as well as larger numbers. कई बार जब हम डीलिंग करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बड़े नंबर्स भी आ जाते हैं, बहुत छोटे नंबर्स भी आ जाते हैं, लाइक 0.000015 बहुत छोटा नंबर हो गया, या कई बार हमें कह दें कि बहुत बड़ा नंबर आ गया, जैसे 23 करोड़ समथिंग इस तरीके का। तो उसको पूरा डिजिट लिखनी है या फिर उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, उसको एक छोटे वे में रिप्रेजेंट करने के लिए जो तरीका यूज़ में लिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। उस नोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ वैल्यू लेते हैं कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय 10^n। इस कैपिटल एन में जो वैल्यू है वो आपके पास है होल नंबर, बाकी जो 10 है वो रिप्रेजेंट करेगा डेसिमल पॉइंट के लिए, डेसिमल पॉइंट के डिजिट को, ठीक है, जीरोस को और उसके ऊपर आने वाली पावर को। ये पावर पॉजिटिव में भी हो सकती है, ये पावर नेगेटिव में भी हो सकती है। अगर आप कोई ऐसे डिजिट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 232.50, ठीक है, अब मैं इसको लिख दूँ 2.32 मल्टीप्लाई बाय 10^2, क्योंकि मैं यहाँ पर किस साइड पे चली गई हूँ, मूविंग टू लेफ्ट, यानी कि जब भी हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कराएंगे तो 10 के ऊपर आने वाली पावर कैसी होगी, ये n स्मॉल n पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं डिजिट लूँ ये वाली 0.00016 और मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं 4 जीरो राइट हैंड साइड पे जा रही हूँ, और जब भी हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो डेसिमल पॉइंट इस 10 के ऊपर जो पावर आएगी यानी जो n है उसकी वैल्यू होगी नेगेटिव, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन का फंडा होता है, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आप सॉल्व जब करेंगे तो आपके पास दो क्वेश्चंस आपको साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज आप सब जानते हैं हाउ टू डू द एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी, आई विल टेक इट दिस टॉपिक ऑल्सो। आफ्टर अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी मेजरमेंट का सेकेंड टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन के बाद है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या चीज़ हैं, इनको कैसे हम काउंट करते हैं, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या चीज़ होती है, उसको पढ़ने से पहले हम दो वर्ड पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्रिसीजन और सेकेंड है एक्यूरेसी। प्रिसीजन रेफर टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट, बट एक्यूरेसी द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर डिजिट एंड पर्टिकुलर वैल्यूज। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट विच आर नॉन विद द सर्टेनिटी, द अनसर्टेनिटी इंडिकेटिंग बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट। इफ़ वी राइट अ रिजल्ट एज 11.2 ml, हियर 11 इज सर्टेन एंड डेसिमल पॉइंट के बाद जो 2 आ रहा है वो अनसर्टेन है। अब क्या रूल्स होते हैं, देखो डेसिमल पॉइंट के बिना जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं या डेसिमल पॉइंट के साथ भी जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 1111, तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर मैं इसको लिख दूँ 0.111 तो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, चाहे वो डेसिमल पॉइंट के साथ हो चाहे वो डेसिमल पॉइंट के बिना हो। अगर नॉन जीरो डिजिट हैं तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होंगे ही होंगे, लेकिन अगर नॉन जीरो डिजिट से पहले कोई जीरो आ जाए वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होता। यहाँ सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन वहीं थर्ड रूल हमें ये कहता है अगर मैं इसी जगह पर इस जीरो को हटा के यहाँ 1 प्लेस कर दूँ, मैं यहाँ अगर 1 लगा दूँ तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 1 मिनट, हम वापस से डिजिट लिख लेते हैं,
यहाँ भी हम लगा के देख लेते हैं। देखिए अब ये दो नॉन जीरो डिजिट, एक तो वन हो गई और एक ये तीन वन हो गई, ये दो नॉन जीरो डिजिट हैं और इसके बीच में जीरो आ रहा है, तो ये पूरी डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट होंगे। यानी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जब भी जीरोज आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। 2.005 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3+1 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, नेक्स्ट रूल, जीरो एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट। अगर आप नॉन जीरो डिजिट के राइट में डेसिमल पॉइंट के बाद कोई जीरो लगाते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगी। यानी यहाँ तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं। एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, हम यहाँ ऐसे लिख दें 0.100, तीन सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये लिख के छोड़ दूँ 100, यहाँ केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है। सेम अगर मैं ये लिखूँ 0.00, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं, यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन अगर मैं यही ये लिख दूँ सिर्फ 1000, तो केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये कुछ रूल्स हैं। इसी तरीके से काउंटिंग नंबर की अगर हम बात करें, 220 जैसे हमने कहा 2 पैन हैं, 20 एग्स हैं या 20 बॉल्स हैं, है ना, तो उसमें इनफिनाइट नंबर तक सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं क्योंकि उसके पीछे डेसिमल पॉइंट लगा के कितने भी जीरोस लगाए जा सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में आने वाले जितने भी नंबर होते हैं स्टूडेंट, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। केवल इस 10 की पावर वाले हिस्से को छोड़कर ये जो पॉइंट, ये जो पोर्शन है, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। ठीक है, सो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल थे। आज हम यही दो टॉपिक डिस्कस करेंगे अनसर्टेनिटी में। एक हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा, एक हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा। 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर जो आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, वो आपका बेसिक है। ये सारे बेसिक रूल्स आपको वहाँ काम आते हैं जब आप आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आपके पास कोई लॉन्ग डिजिट हो गई तो हाउ टू रिप्रेजेंट दिस, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे लिखेंगे, अनसर्टेनिटी कितनी है और सर्टेनिटी कितनी है, प्रिसीजंस वैल्यू क्या है, एक्यूरेसी क्या है, ये सारी चीज़ें वो छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो आपको आगे आपके बेस को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। और ऑब्वियसली बात है 11th क्लास में आपके यूटी में फर्स्ट चैप्टर तो आएगा ही आएगा और उसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी आएंगे और उससे रिलेटेड 1 या 2 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जाएंगे। ओके, होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, होप इट हेल्प टू अदर्स ऑल्सो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।